हाँ बेटा, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा रिडॉक्स चैप्टर है। सर एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। सर हमारे 12th से स्कूल के एग्जाम शुरू हो रहे हैं और ऑफलाइन हो रहे हैं। और 12th से ये स्टार्ट हो रहे हैं आपके, अभी यस एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। सर अच्छा, 12th से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और उसमें ऑफलाइन होंगी वो। यस सर अच्छा, तो उसमें क्या क्या दे रहे हैं वो, क्या क्या करवा रहे हैं उसके अंदर? दोनों कंप्लीट और मतलब दोनों बुक्स पूरी पूरी हैं। बुक्स उसके अंदर पूरी पूरी आ रही हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, जितना अपना होगा कर लेंगे। बाकी अगर आपको देखनी है तो रिकॉर्डिंग वगैरह भी है तो आप यूज कर सकते हो, उसमें रिकॉर्डिंग वगैरह भी देख सकते हो। 12th से अभी एकदम से कैसे स्टार्ट कर दिए? क्या 12th स्टार्ट करवाना चाहते हैं कि जल्दी आपकी स्कूल में? यस सर हमारी डिटेल पहले ऑनलाइन की आई थी, लेकिन कल जब वो ऑर्डर्स आए ना तो अब सारे स्कूल खुल रहे हैं, इस वजह से तो उन्होंने सारे एग्जाम्स ऑफलाइन कर दिए। अच्छा, तो ऑफलाइन कर, तो उन्होंने सिलेबस भी तो रिड्यूस करवाया होगा। सर वो डिलीटेड पोर्शन की पीडीएफ है, वो थोड़ी सी डिलीटेड है, मतलब मैं फॉरवर्ड कर दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है, भेज देंगे। हमारे तो वो 15th मार्च से है। हाँ, अलग अलग स्कूलों का अलग अलग होगा ना। कुछ स्कूल ऐसा होगा कि उन्होंने जैसे कैसे करके ये एग्जाम करवा देने हैं और फिर 12th करवा देनी है मेन स्टार्ट। स्कूल हो गवर्नमेंट हाँ, में तो सर पहले मिड टर्म एग्जामिनेशन का सर्कुलर आया है सर, पहले मिड टर्म होंगे उसके बाद फाइनल। वो तो गवर्नमेंट वाले वैसे करेंगे ना, जो प्राइवेट वाले होते हैं ना, इनको 11th 11th से कोई मतलब नहीं होता। इनको तो बस क्या है कि फटाफट खत्म करा के और 12th स्टार्ट करा देनी है, फिर 12th रटाएंगे। ये 12th के रिजल्ट से मतलब होता है ना, गवर्नमेंट तो सर्कुलर उसके हिसाब से ही चलेगा सर, लेकिन प्राइवेट वाले ऐसे करते हैं। कोई नहीं, वो अपने हिसाब से कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो देंगे आपको कुछ की बेस में से देना है, ऐसे देना है। ऐसा तो होगा नहीं कि जिस स्कूल जो करवा रहा है, मान लो अभी ऑफलाइन कर रहा है, तो उन्होंने ऐसा थोड़ा कि उन्होंने सिलेबस ही खत्म करवा दिया होगा अपना, खुद सर भी अपना तो नहीं, करवा दिया उन्होंने स्कूल में, और उन्होंने अपना स्कूल में खत्म भी करवा दिया सर। अच्छा, सर करवा दिया। फिर वो जैसा करवाया उसी में से वैसे वैसे क्वेश्चन दे देंगे, वैसा ही बनाएंगे। यस सर तो मतलब मैं ये कह रही थी कि हम मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा जल्दी कर लें, क्योंकि सर एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं बस। कोई बात नहीं, अब जैसे अपने तो करना है तो अच्छे से करना है ना। अपने को ये थोड़ा ना कि भाई बस ऐसे, ये स्कूल में तो क्या होता है, कई स्कूल वालों को तो 11th की फॉर्मेलिटी करते हैं अपनी, उनको तो बस फटाफट को पेपर करवा के चाहे पढ़ा दिया एक चैप्टर, उसमें से कितना आया है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कॉम्पिटिशन से तो लेना देना नहीं होता ना उनको ना। अपने हिसाब से चलते रहो आप, सर और जितना कोशिश करेंगे इतना हो जाएगा। केमिस्ट्री की क्लासेस भी तो नहीं लगती सर, सबसे कम लगती है। वो आप उनको बोल दिया करो ना, उनको आपके कोई दे रखा होगा, आपको पोर्टल नहीं दे रखा है इन्होंने कि जिसमें आप ये लिखा करो कि हमारी क्लासेस लगाओ, पूरी पूरी क्लासेस दो हमें। सर बोल दिया है अभी तो। मैक्सिमम उसमें ना तो सभी फिजिक्स की होती रहती है, हफ्ते में 5 तो फिजिक्स की होती है। तो फिजिक्स में अभी फिर सिलेबस हो गया होगा फिर फिजिक्स में, तो मैं दो उसमें चैप्टर बाकी बाकी हैं। यस सर तो उनको कहो कि हमारी जो है ना, रिपीटली डेली क्लास दो केमिस्ट्री का, उनको लिखो सभी आप लोग ना उसमें डाल के, उनको लिखो कि सर हमें डेली क्लास चाहिए केमिस्ट्री का। सर एक बार ये आप भी बोल देना, फिजिक्स वाले सर का भी पहले पीछे था ना तो उन्होंने बोल के लगवा दी थी, फिर फिजिक्स की इसलिए डेली दी थी। मैंने तो कई बार कह दिया, क्योंकि मेरी फिर ऐसा नहीं है कि मेरी क्लास नहीं आती है, मेरी किसी और जगह लगा देते हैं ये क्लास, ऐसा होता है ना। लेकिन आप डालोगे तो फिर उसका क्या है कि वो ज्यादा रहेगा। हालांकि अभी ये 3 4 चैप्टर तो इसमें हैं, वो जल्दी हो जाने हैं, कोई ऐसे बड़े चैप्टर नहीं है। सेकंड बुक ज्यादा बड़ी है नहीं, जैसे एस ब्लॉक वाला है, जैसे हाइड्रोजन है, और जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन ऑर्गेनिक जैसी 12th में 11th में दोनों जगह वही काम आती है। वो तो हम जैसे स्टार्ट भी हो जाएगा तो हमारा एक तरह से 11th 12th दोनों वाला ऑर्गेनिक एक साथ ही स्टार्ट होगा, जो बेसिक चैप्टर है पहले। चलो बेटा, देखो एक ये छोटा सा चैप्टर है, ये 2 3 छोटे छोटे से चैप्टर है, जैसे उनमें से एक रिडोक्स है। इसमें होता है रिडॉक्स का मतलब, देखो इसमें 2 लेटर से बना हुआ है रिडॉक्स, इसमें 2 वर्ड दिखाई देंगे आपको, एक तो रेड और एक ऑक्स। रिडॉक्स जो होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का कंबिनेशन, जिस रिएक्शंस में होता है उसको हम रिडॉक्स बोलते हैं, ऐसी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो एक केमिकल रिएक्शन, कौन सही है बेटा, दिख रहा है और बड़ा करूं?
नो सर, सही है। तो इसमें एक केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमुलटेनियस नोन एज रिडोक्स रिएक्शन। अब जनरली क्या होता है कि हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे किसको, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा, तो बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे तरीके से हम ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम कोई भी ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो कोई भी ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर ऐड हो, एडिशन हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड हो रहा हो, तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो या कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव, कोई सा भी जो मतलब कैटायनिक फॉर्म में हो, वो आपका उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, वो रिमूव हो रहा होता है, तो उसको हम उसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जो रिसेंटली आपकी डेफिनेशन है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर किसी में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का किसी रिएक्शन में, तो वो हमारा ऑक्सीडेशन है। और इससे हमेशा क्या होता है, जिस स्पीसीज में इलेक्ट्रॉनों का लॉस होगा उसके ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सेम रिडक्शन करना है तो जो हम ऑक्सीडेशन में कह रहे हैं बिल्कुल इसका उल्टा कर दो बेटा, जैसे जो भी आप कर रहे हो, जो रिडक्शन रिएक्शन क्या होगी, इसमें उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी चीजें जैसे उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ था, यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, वहां रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये अगर रिएक्शन इस तरह का कोई प्रोसेस होता है जो ऑक्सीडेशन में पढ़ा उसका बिल्कुल अपोजिट, देन इट इज नोन एज रिडक्शन। और कोई भी रिएक्शन होती है उसमें दोनों प्रोसेस होते हैं, रिडॉक्स में रिडक्शन भी हो रहा होता है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा था। इट शुड बी कीप्ड इन माइंड कि अगर आपका रिडक्शन होता है तो जिस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर डाउन हो, रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम होना होता है, रिड्यूस का मतलब होता है कम होना। तो ऑक्सीडेशन नंबर, अभी बताऊंगा क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, अगर किसी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब वो रिडक्शन है, अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन है। और रिड्यूस में जिसका होगा, जिसका रिड्यूस होगा उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, मतलब जिसका रिडक्शन होगा उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, आरए बोलेंगे। सिंपल, कोई भी रिएक्शन देखोगे तो मोस्ट ऑफ रिएक्शन आपको इस कैटेगरी में दिखाई देंगे। सपोज मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता सर, हूँ एक बार वो क्लास। नंबर वाली बात बता दीजिए। हाँ, वो ऑक्सीडेशन नंबर अभी करेंगे ना, मैं बताऊंगा ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, वो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं इधर, देखो वही चीज समझाने के लिए। कि सपोज मैंने एक रिएक्शन लिखा, जैसे मैंने लिखा ZN, 10th क्लास में भी रिएक्शन देखा होगा आपने, ZN को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं अपने, तो ZN को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, देखो इस रिएक्शन में क्या बनेगा, देखोगे आप ZN प्लस CuSO4 रिएक्ट करके ये बनाएगा ZnSO4 प्लस C। तो यहां पर देखो, अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिखता हूं, ZN CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu, तो यहां देखो जिंक, अकेला जिंक है, जब अकेला जिंक है तो इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब यहां पर मैं जो कह रहा हूं नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर अभी निकालना सिखाऊंगा, जीरो कह देंगे। लेकिन यहां देखो ZnSO4, तो यहाँ ZnSO4 में ZN, अगर इसके दो टुकड़े करोगे आप ZnSO4 के, तो ये -2 हो जाएगा सल्फेट आयन और ZN +2 हो जाएगा। तो अगर ZN को यहां से यहां आप चेंज देखोगे तो इसका नंबर इंक्रीज हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर पहले जीरो था फिर +2 हो गया, इसका मतलब ये प्रोसेस हो गया मेरा ऑक्सीडेशन, इनका हो गया ऑक्सीडेशन। अब यही काम कॉपर के लिए देखो, अब आप सपोज इसको कॉपर के लिए चेक करते हैं, तो कॉपर देखो +2 चार्ज है, इधर आ जाओ Cu 0, +2 से 0 में आ गया, तो इसका मतलब अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम कह रहे हैं डिक्रीज हो रहा है कॉपर का, तो कॉपर का हो गया रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा उसका ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा उसको रिडक्शन बोलेंगे। हाँ, अब प्रोसेस ऑक्सीडेशन हो गया, प्रोसेस जो है रिएक्शन है ऑक्सीडेशन है, लेकिन जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि रिडक्शन दूसरे का करवाएगा, खुद का ऑक्सीडेशन है तो दूसरे का वो रिडक्शन करवाएगा, इसलिए इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन हुआ है, जैसे कॉपर का रिडक्शन हुआ है, यहाँ पर +2 चार्ज से 0 हुआ है चार्ज, व्हाइट वाली लाइन देखोगे आप, 0 चार्ज आ रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो जैसे आप इसके अंदर अब देखेंगे कि ये फिर ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, इसको हम कैसे सर, एक्सप्लेन करेंगे। हाँ बोलो। सर इसमें ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इधर तो सीधा ही दिख रहा है सर कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो सर फिर ये रिड्यूस ही हो रहा है।
ओटी क्लासेस में तो आप सिर्फ यहीं से देखते थे ऑक्सीजन से, लेकिन अब जैसे पढ़ोगे ना, अब आपको सारा इलेक्ट्रॉनों से एक्सप्लेन करना होगा, इलेक्ट्रॉन के रीजन से जो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज और इंक्रीज है वो इलेक्ट्रॉन से देखोगे आप। तो अभी मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, जैसे देखो ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, क्या वो बोलोगे सर? वैसे तो ये देखने से ही पता चल जाएगा ना, मतलब ये तो हर एक रिएक्शन में नहीं होगा ना। मान लो जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वहां तो नहीं पता कर सकते ना। जैसे मान लो मैंने ये रिएक्शन लिख दिया H2+Cl2HCl, तो अब वो ऑक्सीजन वाला काम यूज नहीं कर सकते ना। अब आपको क्या है, चार्ज ही देखने पड़ेंगे, इनके चार्ज देखने पड़ेंगे। तो चार्ज वाला जो होगा वो वर्सेटाइल है, वो हर जगह पे लग जाएगा। जैसे देखो, अब फिर ऑक्सीडेशन नंबर है क्या चीज, तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है कि इट इज द एक्चुअल चार्ज ऑन द और बाय द एलिमेंट, पोजेस बाय द एलिमेंट, एक्चुअल चार्ज पोजेस बाय द एलिमेंट कब, इट इज द एक्चुअल चार्ज पोजेस बाय द एलिमेंट व्हेन इट इज कंबाइनिंग विद अनदर एलिमेंट। किसी और एलिमेंट से कोई एलिमेंट अटैच होता है तो उस पर कितना चार्ज आएगा उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे ये देखो H2 है, H2 ने सपोज स्पीसीज बनाई HCl, जैसे मैंने ये लिख दिया। अब हाइड्रोजन HCl के अंदर अगर चार्ज निकालोगे ना, इन दोनों को अलग अलग करके देखो, तो चार्ज निकालोगे तो Cl नेगेटिव होगा, H पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहां पर मैं कहूंगा कि हाइड्रोजन पर +1 चार्ज आ रहा है, इट मींस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ गया। इधर देखूंगा कि क्लोरीन पर चार्ज कितना आ रहा है, देखो इस स्पीसीज के अंदर रूल भी होते हैं, रूल भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले जर्नल -1, तो हम कहेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, -1। तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से जब कंबाइन होता है तो उस पर कितना चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर, ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर। अब ये निकालोगे कैसे, इन ऑर्डर टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर के लिए हम क्या कुछ रूल फॉलो करते हैं। अगर कोई भी एटम अपनी एलिमेंटल स्टेट के अंदर, एलिमेंटल स्टेट के अंदर, एलिमेंटल मतलब सेम काइंड ऑफ एटम से बना हुआ है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जीरो होगा। अगर कोई एटम एलिमेंटल स्टेट में, जैसे हाइड्रोजन की एलिमेंटल स्टेट सपोज H2 है, H2 इसकी एलिमेंटल स्टेट है, आपसे कोई पूछे H2 का ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का कितना होगा H2 में, तो कितना लिखोगे, जीरो जीरो जीरो। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिखा था जिंक अपना एलिमेंटल स्टेज में ZN, अगर एलिमेंटल स्टेट में तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, जीरो जीरो जीरो। तो कोई भी एटम जब अपनी एलिमेंटल स्टेट में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो लिया जाता है। हाँ, किसी और एटम से जब वो अटैच होता है, एलिमेंट का मतलब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, एलिमेंट आर दोज विच आर मेड अप बाई सेम टाइप ऑफ एटम, जो एक ही टाइप के एटम से बना होता है उसको बोलते हैं। रूल नंबर टू क्या आता है कि अगर हाइड्रोजन क्या करेगा, अगर किसी के साथ बाइंड होगा तो जनरली इसके ऊपर +1 चार्ज आता है, किसी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बाइंड होगा। याद है तुम्हें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, हाइड्रोजन की सेकंड चैप्टर पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किया था, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.1, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो होती है 2.1। अगर हाइड्रोजन किसी ऐसे जैसे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, क्लोरीन 3, तो जब HCl के साथ अटैच होगा तो ये HCl बनाएगा, तब हाइड्रोजन पर चार्ज +1 आएगा। कहने का मतलब जो हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोजन दूसरे किसी एटम से जब अटैच होता है तो मोस्ट ऑफ केसेस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। तो हाइड्रोजन एक्वायर +1 ऑक्सीडेशन, OS का मतलब मैं लिख रहा हूं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो बोल रहे थे आप, ऑक्सीडेशन स्टेट व्हेन इट इज कंबाइंड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर कोई इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम होता है उसके साथ अटैच होगा तो हाइड्रोजन का आप जो है +1 चार्ज लेंगे, +1 ऑक्सीडेशन नंबर लेंगे, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे, कुछ भी बोल दो, चार्ज बोल दो, ऑक्सीडेशन नंबर बोल दो। तो हाइड्रोजन का अगर एलिमेंटल फॉर्म में है तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेंगे बेटा, हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में है तो जीरो। और हाइड्रोजन ज्यादातर किसी और के साथ बनाएगा, दूसरी चीजों के साथ बनाएगा तो कितना लोगे, देखो +1, ज्यादातर बनाएगा तो +1, लेकिन कुछ के साथ इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन व्हेन अंडरगो फॉर्मेशन ऑफ मेटल हाइड्राइड देन इट एक्वायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1, कुछ केसेस में -1। तो -1 याद रखना आपका, हाइड्रोजन किस किस के साथ -1 करेगा, जब ये कंपाउंड बनाएगा एल्किली मेटल के साथ या एल्किलाइन
अर्थ मेटल के साथ। तो हमेशा याद रखना आपने कि अगर एल्कली मेटल के कंपाउंड है तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 रहेगा। एल्कली मेटल का कंपाउंड होगा एल्कली या एल्किलाइन अर्थ मेटल, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मोस्ट ऑफ केसेस में दूसरे कंपाउंड के साथ +1, जैसे HCl में देखा आपने। लेकिन अगर ये किसी मेटल के साथ है, मेटल का हाइड्राइड बना रहा है, तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। तो इसमें ये बात क्या ध्यान रखनी है अपने, ये कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल +1, एल्किलाइन अर्थ मेटल इनका +2, किसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इनके इन कंपाउंड, कोई भी अगर कंपाउंड बनाएंगे या एल्कली मेटल जब भी बनाएंगे तो उसका प्लस वन आएगा, एल्किलाइन अर्थ मेटल बनाएंगे तो +2 आएगा। जैसे देखो एक एग्जांपल होता है हाइड्रोलिथ, हाइड्रोलिथ, हाइड्रोलिथ क्या होता है, जैसे हाइड्रोलिथ है सपोज CaH2, CaH2 हाइड्रोलिथ है। अब मुझसे ये पूछा जाए कि यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो -2 नहीं, वो एक हाइड्रोजन का तो 2 हो गए तो -2 आएगा ना, एक हाइड्रोजन का तो -1 ही बोलेंगे ना, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 ही बोले आपने। हाइड्रोजन का ये तो 0 होगा या +1 होगा या -1 होगा, बिकॉज यहाँ पर कैल्शियम का फिक्स है कि इसका +2 होगा कैल्शियम का, बिकॉज कैल्शियम क्या है, एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। तो हाइड्रोजन का क्या आएगा, एक हाइड्रोजन का -1 आएगा, क्योंकि -1 × 2 करोगे तो फिर ये टोटल न्यूट्रल हो जाएगा ना। या आप ऐसे करके भी निकाल सकते थे हाइड्रोजन का CaH2, सपोज कैल्शियम का आपको पता है +2 है, एक हाइड्रोजन का सपोज X तो 2 हाइड्रोजन का 2X, ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है देखो 0, तो 2 + 2X तो 2X = -2, तो X = -1 CaH2, ऐसे भी निकाल सकते हो आप CaH2 में, जैसे NaH तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि Na एल्कली मेटल है बेटा, एल्कली मेटल का क्या बताया हमेशा उसके कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना लेना पड़ेगा फिर हमें ऑक्सीडेशन नंबर -1, हाइड्रोजन का -1 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ +1 नहीं हो सकता क्योंकि +1 तो इसका हो गया ना, Na का +1 वो फिक्स है, Na का जो भी कंपाउंड बनेंगे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका +1 आएगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का -1 आएगा। तो हाइड्रोजन का उनके कंपाउंड में कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा बेटा, मोस्टली +1, मोस्टली +1, लेकिन कुछ केसेस में -1 होगा। कब होगा -1, जब वो मेटल के साथ हाइड्राइड बनाएंगे, जब वो एल्कली मेटल या एल्किलाइन अर्थ मेटल और एक दो और होते हैं जैसे बेरिलियम और बोरोन, बेरिलियम का आ गया, बोरोन आ गया इसका, तो तब ये आपका -1 दिखाएंगे। क्लियर, हाइड्रोजन का केस क्लियर है बेटा? सर सर मतलब मेटल मेटल की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो 2.1 से कम होनी चाहिए ना, जब ही फिर वो हाइड्रोजन का -1 आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, जब उससे कम होगी, मतलब हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना किसी मेटल से, हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा मतलब 2.1 से मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, देन हम कहेंगे कि मेटल पर +1 आ जाएगा, हाइड्रोजन पे -1। क्लियर, चले आगे। हाइड्रोजन का क्लियर हो गया, एल्कली मेटल एल्कलाइन अर्थ मेटल का हो गया, फिर आता है बेटा फ्लोरीन, जैसे हेलोजन है आपके पास, हेलोजन, हेलोजन में फ्लोरीन जो होगा बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई। आपने वहां जो अल्कलाइन मेटल का लिखा था 1 लिखा था, और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल था उनका 2 लिखा था, लेकिन जब हाइड्राइड के मेटल हाइड्राइड के साथ बनाएंगे तो -1 होगा, तो हाइड्रोजन 2 थे वो क्या थे, वो ऑक्सीडेशन नंबर है, लेकिन एल्कली मेटल और एल्किलाइन अर्थ मेटल के है ना ऑक्सीडेशन नंबर। सर मतलब वो मेटल के, वो हाइड्रोजन के नहीं है ना। हाँ वो हाइड्रोजन के, मतलब एल्कली मेटल का हमेशा, जैसे ये देखो मैं फिर लिखा है ना मैंने यहाँ, एल्कली मेटल कभी भी होगी तो उसका कोई भी कंपाउंड होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है, क्या रहेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, उनके जो कंपाउंड होंगे, जैसे NaCl, सपोज NaCl लिया आपने, तो NaCl में Na का क्लियर है, कितना होगा Na का +1, +1,
जैसे LiCl है, लिथियम क्लोराइड, तो लिथियम का कितना होगा, प्लस प्लस वन। वन क्लियर? ऐसे जब कभी भी कोई एल्केलाइन अर्थ मेटल देखोगे, कोई भी एल्केलाइन अर्थ मेटल, तो उसका उसके कंपाउंड में हमेशा कितना रहेगा, प्लस प्लस टू रहेगा, टू उसका हमेशा प्लस टू रहेगा उसके कंपाउंड में। जैसे देखो कोई सा भी कंपाउंड ले लो तो उसका प्लस टू होगा एल्केलाइन अर्थ मेटल। जैसे कैल्शियम सल्फेट, इसमें अगर अपने को देखना है कि कैल्शियम का कितना होगा तो क्या आंसर देंगे हम, प्लस टू। समझ प्लस टू गए हम? अगर आपके पास कोई भी हेलोजन है, हेलोजन अगर कोई भी है तो फ्लोरीन का ऑलवेज माइनस वन, फ्लोरीन का ऑलवेज माइनस वन, फ्लोरीन का कोई भी कंपाउंड है उसका माइनस वन। बाकी और किसी हेलोजन का कुछ और हो सकता है, लेकिन फ्लोरीन का ऑलवेज कितना लेना है आपने, माइनस वन लेना है। बाकियों का अलग अलग हो सकता है। सपोज अब मैं आपको कहूं कि ICl3 और IF7, अब हेलोजन है ना बेटा, दोनों ही हेलोजन है। ऊपर वाले में आयोडीन भी हेलोजन है और क्लोरीन भी हेलोजन है ना, और नीचे वाले में आयोडीन भी हेलोजन है और फ्लोरीन भी हेलोजन है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे आप देखो, ये तो क्लियर है कि फ्लोरीन का ऑलवेज क्या होगा बेटा, फ्लोरीन में तो नेगेटिव कोई भी नहीं, माइनस वन, फ्लोरीन का माइनस वन होगा। अब सपोज मुझे आयोडीन का यहाँ निकालना है, फ्लोरीन का माइनस वन हो गया, मोर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सपोज ये कहो कि सपोज एक आयोडीन का है एक्स, ठीक है, एक फ्लोरीन का कितना होता है बेटा, माइनस माइनस वन वन इंटू कितने फ्लोरीन है, माइनस सेवन, या डायरेक्ट माइनस सेवन भी लिख सकते थे आप। इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना, IF7 पे कोई चार्ज नहीं, जीरो जीरो, तो एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, सेवन प्लस सेवन। तो इसका मतलब आपसे IF7 में पूछा जाएगा फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो क्या बोलोगे आप, प्लस IF7 में नहीं, फ्लोरीन का माइनस सेवन, सॉरी माइनस वन, माइनस वन, माइनस वन, माइनस वन, क्योंकि फ्लोरीन का तो ऑलवेज माइनस वन ही होगा ना, लेकिन आयोडीन का देखो माइनस वन नहीं है, आयोडीन का कितना आया इसमें, प्लस सेवन, प्लस सेवन आया। तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो प्लस सेवन है। ऑक्सीसो क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन IF7 इज प्लस सेवन। तो हमने सिर्फ याद किस रूल किसके लिए बनाया है, सिर्फ अगर फ्लोरीन है तो उसका हमेशा क्या रहेगा, माइनस माइनस वन। बट अगर कोई दूसरी हेलोजन है तो फिर हमें निकालना पड़ेगा। जैसे देखो IClIClIClIII, IClIII वाला एग्जांपल, ऊपर मैंने लिखा IClIII। अब सपोज मैं कह दूं IClIII, तो अब मुझे क्या है, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा हो उसको माइनस वन दे दो, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, दोनों हेलोजन है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, तो IClIII में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है बेटा, Cl की, तो Cl का फिक्स हो गया कि अब Cl माइनस वन। अब मुझे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका निकालना है, तो सपोज अगेन मैं क्या बोलूंगा, इस आयोडीन का कितना लेते हैं, सपोज एक्स, एक आयोडीन का एक्स, एक क्लोरीन का माइनस वन है, तो माइनस थ्री इक्वल टू ओवरऑल जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा टोटल, प्लस थ्री। तो इट मीन्स IClIII में आपसे पूछा जाए, IClIII में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो क्या आंसर दोगे, प्लस थ्री, प्लस थ्री, प्लस थ्री, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछोगे तो माइनस वन, माइनस वन। तो जब दोनों हेलोजन हो तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा हो, जिस हेलोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होता है उसका माइनस वन होता है, बाकी दूसरे का हम निकाल लेते हैं, दूसरे को हम बना सकते हैं। क्लियर, हेलोजन का केस? यस सर। अब आपका क्या है, कोई भी अगर जनरली जो नोबल गैसेस होती हैं, वैसे तो जो नोबल गैसेस होती हैं अपने कंपाउंड बनाती नहीं है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर जनरली जीरो होता है। जैसे मैं कह दूं कि जिनोन का कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर, वैसे एलिमेंटल स्टेट में है तो क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बताओगे, अगर जिनोन अकेला है तो जीरो हो गया है ना। लेकिन मैं आपसे ये कह दूं कि एक्स जो है IF7 है सपोज, अब XC का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो निकाल सकते हो ना, ये तो क्लियर ही होगा कि फ्लोरीन का माइनस वन हो जाएगा, तो जीनोन का सपोज एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस, तो हम किसी और के भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो देखो हाइड्रोजन का क्लियर हो गया, हेलोजन का हो गया, एल्कली मेटल और एल्केलाइन अर्थ मेटल। अब सबसे बड़ा जो इश्यू आता है बच्चों, वो आता है ऑक्सीजन का।
ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर उनके कंपाउंड में कितना होगा ये निकालते हैं बिल्कुल। सर ये जो आपने ये लिख रखा है सर, इसको एक बार इसकी फोटो भेज दीजिएगा उसमें ग्रुप में। ये देखो जो कि अगर बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन जनरली क्या है कि ऑक्सीजन बहुत सारी फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है डिफरेंट कंपाउंड में। या सपोज आपके पास ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन एज ऑक्साइड है तो इसका फार्मूला होता है O टू नेगेटिव, इसलिए हम कहते हैं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ जाएगा वो टू नेगेटिव आ जाएगा। और जनरली मोस्टली ऐसा ही होता है, मोस्टली इसी फॉर्म में ऑक्सीजन मिलता है मोस्टली। लेकिन ऑक्सीजन के और भी फॉर्म है, जैसे ऑक्सीजन अगर पर ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड का फार्मूला होता है O2 टू नेगेटिव। तो दो ऑक्सीजन पर दो नेगेटिव चार्ज है, तो पर ऑक्सीजन चार्ज देखना है तो आपका माइनस वन आना है। लेक्चर में ये स्ट्रक्चर होती है, अगर पर ऑक्साइड होता है तो O O माइनस वन चार्ज इधर माइनस वन चार्ज, हमें तो पर ऑक्सीजन जो चार्ज होता है वो बताना होता है। तो ऑक्सीजन अगर एज ए ऑक्साइड है तो उसका माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, अगर वो पर ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन बोलोगे, ये स्ट्रक्चर आ जाएगी। अगर वो सुपर ऑक्साइड है तो उसका फार्मूला होता है सुपर ऑक्साइड का O टू नेगेटिव, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा माइनस हाफ, सुपर ऑक्साइड में माइनस हाफ आ जाएगा। तो इसकी स्ट्रक्चर जो होगी वो ये होती है O O, इधर नेगेटिव चार्ज टोटल देखो दोनों ऑक्सीजन पर माइनस वन है तो आधा आधा हो जाएगा माइनस हाफ इस पर। ऑक्सीजन के आपके डिफरेंट फॉर्म होते हैं, ऑक्सीजन एज ए ऑक्साइड है, ऑक्सीजन पर ऑक्साइड है या ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड है, उसके हिसाब से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली माइनस टू होता है। लेकिन अगर पर ऑक्साइड की फॉर्म में होगा तो इसका माइनस वन हो जाएगा, और सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में होगा तो ये माइनस हाफ हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो आप, सपोज एग्जाम्पल शेयर करते हैं, आपने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फार्मूला सुना है बेटा कभी? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड देखो कुछ मैं फार्मूला बता रहा हूँ, H2O2। जैसे सपोज एक एग्जांपल होता है H2O वाटर है ना, तो और एक होता है H2O2, एक होता है Na2O2, एक सपोज हो गया KO2। तो इनमें सब में ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग टाइप की, मतलब याद करना है आपको, आपको याद करना पड़ेगा इनकी स्ट्रक्चर्स। तो H2O2 ये तो नॉर्मल ऑक्सीजन है, तो नॉर्मल ऑक्सीजन है तो नॉर्मली जो ऑक्सीजन होगा उसकी तरीके से निकालोगे तो इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे H, तो ऑक्सीजन जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का प्लस वन, इसका भी प्लस वन, तो टोटल न्यूट्रल करना है तो इसका माइनस टू, तो यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू। लेकिन अगर मैं H2O2 दे दूं आपको एग्जाम में, H2O2 इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2 दोगे तो ये हो जाएगा HO2, तो उसमें क्या होगा कि इस पर प्लस वन, इस पर भी प्लस वन, तो अब टोटल प्लस टू है तो नीचे दोनों का मिला के माइनस टू होगा, तो माइनस वन इस पर माइनस वन इस पर, इसका मतलब यहां पर ऑक्सीजन जो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आ रहा है H2O2 माइनस वन, माइनस वन, तो माइनस वन का मतलब है तो इसका मतलब यहां तो एज ए ऑक्साइड था ये ऑक्सीजन, एज ए ऑक्साइड था, लेकिन H2O2 में कैसा आ गया ये परऑक्साइड, परऑक्साइड फॉर्म में। तो ऑक्सीजन जब परऑक्साइड में हो तो O जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन देना है। जैसे Na2O2 देखो बेटा, Na2O2 भी तो ऐसा ही है जैसा ये देख रहे हो आप, Na, O, Na, इसका फिक्स है, इनका प्लस वन होना है, तो इसका क्या हो जाएगा दोनों माइनस माइनस, तो इसका मतलब यहां भी ऑक्सीजन कौन सी फॉर्म के अंदर है परऑक्साइड। अब ये वाला एग्जांपल देखो KO2, अब KO2 में अगर मैं इसके दो टुकड़े करूं तो KO2 तो K प्लस वन, तो पूरे O2 का कितना आ जाएगा माइनस वन, तो पर ऑक्सीजन कितना आ जाएगा देखो, दो ऑक्सीजन का माइनस वन आया माइनस हाफ, इसका मतलब यहां पर ये जो ऑक्साइड है ये कौन सी फॉर्म के अंदर है सुपर। तो अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू आ रहा है तो नॉर्मल ऑक्साइड है,
अगर माइनस वन आ रहा है तो पर ऑक्साइड है, और माइनस हाफ आ रहा है तो सुपर ऑक्साइड है। तो ऑक्सीजन के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग कंपाउंड में हो सकते हैं। क्लियर? यस सर। Ke2 का स्ट्रक्चर नहीं देखना, स्ट्रक्चर से ही आया ना बेटा, क्योंकि एक के पॉजिटिव है, एक के पॉजिटिव हटा दो तो बाकी दो ऑक्सीजन के पास कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, और फिर माइनस वन बाय टू हो जाएगा, माइनस वन बाय टू हो जाएगा। चाहे एक्स करके निकाल लेना, चाहे कैलकुलेशन बना लेना। ऐसे ही जो टोटल किसी का भी, जैसे नाइट्रोजन, आप नाइट्रोजन के जितने भी कंपाउंड देखोगे तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो मिलेंगी आपको, वो आपको माइनस थ्री से प्लस फाइव तक मिलेगी, माइनस थ्री टू प्लस फाइव। जैसे अमोनिया है, इसमें माइनस थ्री है, निकालते रहो जिस जिसमें निकालना है, NH2 NH2 माइनस टू है, NH2OH में माइनस वन है, N2 में जीरो हो जाएगी। तो आपके जितने भी कंपाउंड देखोगे तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस थ्री से प्लस फाइव आ जाएगी, और सल्फर की माइनस टू से प्लस सिक्स। सल्फर के जितने भी कंपाउंड देखोगे, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू से प्लस सिक्स। तो इन दोनों चीजों से हमें क्या पता लगता है, देखो अगर हमें जैसे सल्फर और नाइट्रोजन है और किसी की लिमिट पता है हमें कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से यहां तक हो सकती है, अगर कोई भी एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है वो, और अगर अपनी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो ये पॉइंट हम डाल सकते हैं यहाँ पर कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो ये ट्रिक क्या, मतलब क्वेश्चन शॉर्ट सोल्व करने का ट्रिक, क्या ट्रिक कह रहा हूं मैं, नॉट इफ एलिमेंट इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब उससे ऊपर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आ सकती, इसकी तरह करेगा एक्ट ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग में। अगर कोई एलिमेंट इफ एलिमेंट इन इट्स लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर कोई एलिमेंट अपनी बिल्कुल लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है तो आप समझ लेना कि वो सिर्फ किसकी तरह एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, एक्ट ओनली रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? अगर कोई मीडियोकर ऑक्सीडेशन स्टेट में, इफ एलिमेंट इन मिडल ऑक्सीडेशन स्टेट, मीडियोकर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो फिर दोनों काम कर सकता है। तो ऐसी स्पीसीज आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कर सकती है, कैन एक्ट बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। आर ओ ए लिखूं तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और आर ए लिखूं तो इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप देख के मतलब रिकॉग्नाइज कर सकते हो, आप डायरेक्ट अपना नॉलेज यूज करके आप सिर्फ फार्मूला देखो, कंपाउंड देखो, और देख के ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड करो, और आप बता सकते हो कि ये किसकी तरह काम करेगा। जैसे देखो मैंने मान लो एक एग्जांपल दे दिया आपको H2S, एक एग्जांपल सपोज मैं आपको दे दूं कि सपोज SO3 है ना, और एक दे दिया SO2। मैंने आपसे पूछ लिया कि इनकी वर्किंग क्या क्या होगी, कौन कैसे कैसा वर्क करेगा। देखो तीनों में कॉमन चीज क्या है, सल्फर, सल्फर, तीनों में कॉमन जो है हमें सल्फर दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर। देखो सबसे पहले H2S में निकालो बेटा माइनस टू, H2S में सपोज हाइड्रोजन का पता ही है प्लस वन होता है, तो प्लस टू प्लस x इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू माइनस टू, तो यह सल्फर की यहां आ गया माइनस टू। SO3 में देखो कितना आएगा, SO3 में माइनस सिक्स, क्योंकि सल्फर का सपोज x है, एक ऑक्सीजन का माइनस टू होगा तो माइनस थ्री से माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया देखो प्लस, सल्फर में ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स आ गया। SO2 में देखो निकालो कितना आएगा, प्लस फोर, सल्फर का सपोज एक्स, दो ऑक्सीजन का माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस फोर।
और आपको मैंने भी जैसे याद कराया कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक जाती है उनके कंपाउंड में, अभी हमने पढ़ा था माइनस टू से प्लस सिक्स तक जितने भी कंपाउंड होंगे सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो आपकी माइनस टू से लेकर के कहां तक होगी बेटा, प्लस सिक्स तक। तो आप देखो पहले वाला एग्जांपल H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू है तो मिनिमम हो गया ना, और दूसरे वाले में देखो प्लस सिक्स वाले में मैक्सिमम हो गया है ना, और प्लस फोर वाला कौन सा हो गया, इंटरमीडिएट हो गई। तो जहां पर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो किसकी तरह वर्क करेगा, एक्ट ओनली रिड्यूसिंग एजेंट ओनली। तो ऐसे फार्मूले लिखे हुए आएंगे और हमें नॉलेज यूज करके निकालना है। तो H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू है इसलिए ये ओनली रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। SO3 में देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कहां कितना है, मैक्सिमम, और जब मैक्सिमम होता है तो वो स्पीसीज किसकी तरह काम करती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और SO2 दे दिया आपको, सपोज SO2 दे दिया तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो मीडियोकर होगी, इंटरमीडिएट वाली होगी, तो ये दोनों करता है, रिड्यूसिंग एजेंट प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई भी कर सकता है दोनों में, दोनों काम कर सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप बना सकते हो। ऐसे ही नाइट्रोजन की लिमिट क्या थी बेटा, नाइट्रोजन देखा था आपने माइनस थ्री से प्लस फाइव, तो वहां से हम डिसाइड कर लेंगे कि भी कौन सी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली स्पीसीज है और कौन सी रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा दोनों वर्क कर सकते। क्लियर? यस सर। अब क्या है, ये तो हमने एक आस्पेक्ट देखा, अब मैं आपको क्या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाता हूं दूसरे आस्पेक्ट स्ट्रक्चर से। सपोज आपको कुछ में नॉलेज क्लाउड फॉर्म में ये बताता हूं, इससे क्या क्वेश्चन कभी आपको थोड़ा सा याद करना, पहले थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा लेकिन कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसमें क्या करो आप देखो, अगर सपोज एक जैसे एटम में जैसे कोई कोवलेंट बॉन्ड है, एक जैसे एटम के बीच जैसे AA के बीच ये कोवलेंट बॉन्ड है, A और A के बीच कोवलेंट बॉन्ड है, तो आप क्या करोगे पर एटम पर कोवलेंट बॉन्ड दोनों एक जैसे एटम है तो ऑक्सीडेशन नंबर 00 दोनों को कितना दोगे, 00 दोगे। अगर A और B के बीच कोवलेंट बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड है A और B के बीच और B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आप इसको पर बॉन्ड, ये A और B दोनों अलग अलग हैं तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसको पर बॉन्ड -1 इधर वाले को +1 तो हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा इजिली निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, सपोज मैंने आपको कहा H2O, एक तो अभी वैसे किया था आपने, तो H2O में क्या करो आप H2O की स्ट्रक्चर बनाओ, H2O का स्ट्रक्चर तो आता होगा आपको H O H। अब ईच बॉन्ड से स्टार्ट हो जाओ बेटा, देखो पहले वाले से यहां से स्टार्ट ले लो, तो इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक कोवलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है बेटा H2O में, तो इसका -1 आ गया इसका +1। फिर अगले वाले बॉन्ड के लिए आ जाओ, इधर देखो इधर H का +1 आ गया और -1 आ गया, तो ओवरऑल ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हर किसी का बता दिया, देखो आपने सबका क्लियर पता लग गया कि इस वाले हाइड्रोजन का कितना है +1, इस वाले का देखो कितना है +1 और बीच वाले ऑक्सीजन का कितना है -2। इसका मतलब कौन से वाला ऑक्सीजन है, ये सिंपल ऑक्साइड ऑक्साइड वाला। क्लियर? जैसे सपोज मैंने आपको एग्जांपल दे दिया H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड दे दिया, H2O2 दे दिया, अब आप क्या करो H2O2 का स्ट्रक्चर बनाओ, इसे एक साइड से स्टार्ट हो जाओ फोल्ड करना, देखो यहां हाइड्रोजन का +1 तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा -1। क्लियर? अब इस और इसमें देखो दोनों बिल्कुल एक जैसे है तो कितना कितना चार्ज आएगा बेटा, 00 00 आ गया पर बॉन्ड। फिर देखो O और H वाले में आ जाओ, फिर अगेन ये +1 और ये -1, तो इसका मतलब बीच वाला ऑक्सीजन देखो ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आ रहा है, ईच ऑक्सीजन पर -1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन से वाला हुआ, परऑक्साइड।
इसलिए हमें पता लगा कि ये परोक्ष है। तो बॉन्ड के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं, एक पर बॉन्ड के लिए इतना लेना है, एक से ज्यादा बॉन्ड हो तो ज्यादा ले लेंगे। जैसे मान लो आपको लेना है सपोज SO3 है, तो आप क्या करो SO3 में बना लो SO3। अब देखो ईच बॉन्ड के लिए सोचो, यहां से सोचो पहले वाले से, ये दो बॉन्ड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ना S से, तो ईच बॉन्ड के लिए कितना आता जाएगा -1 + 1, फिर इस बॉन्ड के लिए -1 + 1, दोनों का साथ लिख रहा हूं, देखो टोटल -2 + 2, फिर इधर से देखो -2 + 2, तो बीच वाले सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितना आ गया +6। इसमें थोड़ा आपको प्रैक्टिस, जितने एटलीस्ट जितने मॉलिक्यूल करो आप, जितने मतलब आपको बुक में दे रखे हैं जो आपकी एटलीस्ट एनसीईआरटी में, वो सारे एग्जांपल आप सोल्व कर लो। जैसे या ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा होगा आपने, ब्लीचिंग पाउडर इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है फार्मूला ब्लीचिंग पाउडर का, इसका फार्मूला होता है बेटा CaOCl2, टेंथ में भी होता था आपके केमिकल्स जो होते थे CaOCl2। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे ना, क्योंकि कैल्शियम की सेकंड ग्रुप का है तो 2 वैलेंसी होनी चाहिए, ऑक्सीजन की भी 2 वैलेंसी होती है, लेकिन क्लोरीन सिंगल है तो ClCl, ये स्ट्रक्चर आता है। अब देखो ईच एंड एवरी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे देखो, पहले देखो कैल्शियम और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की, क्लोरीन, तो क्लोरीन को -1, कैल्शियम को +1। फिर आ जाओ नीचे वाले बॉन्ड में कैल्शियम और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, देखो ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की, तो -1 इधर +1। और लास्ट वाले बॉन्ड में ओ और सीएल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की, नो ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, फिर ऑक्सीजन की होती है, तो ऑक्सीजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो इसको -1 और इसको +1। तो अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है, ऐसे ही तो एग्जामिनर पूछता है आपसे कि दोनों क्लोरीन का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर आया, ऊपर वाले क्लोरीन का देखो कितना आया ब्लीचिंग पाउडर में -1, और नीचे वाले क्लोरीन का देखो कितना आया +1, तो रट्टे का तो काम चलेगा ही ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको स्ट्रक्चर क्लियर है तभी बता पाओगे कि यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या है। तो आप बोलोगे ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन इन दिस एग्जाम्पल +1 एज वेल एज -1, ऑक्सीजन की बता सकते हो -2, कैल्शियम का बता सकते हो +2। ईच एंड एवरी एटम जो भी आपके पास यहाँ है उसका आप इसमें जो है ऑक्सीडेशन स्टेट बना सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, आप इसका निकाल के बताओ मुझे, सभी ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो बेटा, अरे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपने सर, साइड सर दोनों साइड वालों का सर +6 आएगा और सर बीच वाले का +4 आएगा। बिल्कुल, देखो क्यों, क्योंकि देखो ऑक्सीजन से सोल्व करोगे इधर -2 इधर +2, इधर -2 इधर +2, इधर दो बॉन्ड है ना -2 + 2, लेकिन ये ब्रोमीन एक जैसे हैं तो 0 0, ये ब्रोमीन भी दोनों एक जैसे हैं 0 0, फिर इधर -2 + 2 - 2 + 2 - 2 + 2, बीच वाले ब्रोमीन ऊपर है -2 इधर +2 इधर -2 इधर +2। अब देखो जो ब्रोमीन जो इधर वाला ब्रोमीन था टोटल हो गया, ये निकाल लो टोटल कितना हो रहा है 6, इसका भी कितना हो रहा है, तो ब्रोमीन के ऑक्सीडेशन नंबर देखो +6, फिर दूसरे वाले का ब्रोमीन का एक जगह +4, एक जगह। तो अगर आप कोवलेंट बॉन्ड बना के स्ट्रक्चर बना लेते हो तो स्ट्रक्चर बना करके आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई किसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर आना है। जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें फार्मूलों के हिसाब से चलना चाहिए, अगर हमें स्ट्रक्चर आती है तो सबसे बेस्ट वे है। क्लियर, चलें आगे। यस सर। अब सपोज ट्रिक नंबर 2, अगर आपका कोवलेंट बॉन्ड की जगह कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाए, कोवलेंट बॉन्ड की जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाता है, अगर आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ए और बी एटम के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड है
और कोऑर्डिनेट बी सपोज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ए और बी के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ए और बी के बीच बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन एरो का हेड ऐसे आ रहा है। अगर आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और जो बॉन्ड का हेड है जो एरो है, एरो का हेड जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का माइनस टू आएगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का प्लस टू आएगा पर बॉन्ड, प्लस चार देना हमने। और अगर बॉन्ड का जो एरो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ है तो जीरो देना, फिर आपको ये जीरो देना। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे सपोज मैं बोलूं आपको एक यहां पर बोल रहा हूं, जैसे सी एच थ्री एन सी इसको बोलते हैं मिथाइल, एच थ्री को मिथाइल, एन सी को आइसो साइनाइड बोलते हैं। स्ट्रक्चर बना देता हूं, कार्बन का वैलेंसी फोर रहता है हमेशा, तो सी के साथ पहले सी एच थ्री में ऐसे अटैच हो गया एन, ये स्ट्रक्चर होगा सी एच थ्री एन सी का स्ट्रक्चर ये है। अब देखो ईच कार्बन और नाइट्रोजन या हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो इस हाइड्रोजन का प्लस वन तो यहां पर माइनस वन, प्लस वन इधर माइनस वन, ये प्लस वन इधर माइनस वन। कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो इसका माइनस वन इसका प्लस वन। अब नाइट्रोजन और कार्बन लास्ट वाले के बीच आ जाओ, देखो अब देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस तरफ जा रहा है, एरो किस तरफ जा रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस बॉन्ड के लिए कितना दोगे, जीरो 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 जीरो। हाँ इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है, माइनस वन प्लस वन, नीचे वाले में माइनस वन प्लस वन। अब आप देखो हर एक का आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता लग गया, देखो कितना होगा, देखो लास्ट वाले कार्बन का राइट बिल्कुल जो राइट है उसका कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर देखो कितना आया, माइनस टू, लास्ट वाले का माइनस टू नहीं है बेटा प्लस टू है ना, सर मैं वो वाला उससे पहले वाला समझ रहा था, और उससे जो लेफ्ट वाला है वो देखोगे तो माइनस टू आएगा क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक ये कैंसिल हो जाएगा माइनस वन और माइनस वन तो माइनस टू आ जाएगा। और नाइट्रोजन का देखो बीच वाले का माइनस थ्री, उसका माइनस थ्री आएगा। तो आप हरेक का बता सकते हो, ऐसे ही एग्जाम्पल है नाइट्रो बेंजीन, बेंजीन नाम सुना होगा बेटा, यस सर नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन में ये स्ट्रक्चर होता है, ऐसे बेंजीन रिंग होती है पूरी, इधर N डबल बॉन्ड O और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है O। अब देखो सपोज इस नाइट्रोजन का निकालना है, एक नाइट्रोबेंजीन ले लेते हैं एक एनिलीन ले लेते हैं, एनिलीन होता है NH2, एंजीन के साथ दोनों जगह नाइट्रोजन का निकालते हैं, इसको बोलते हैं पहले वाले एग्जांपल को बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन, दूसरे वाले को बोलते हैं एनिलीन। अब सपोज मुझे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है दोनों केसेस में, देखो पहले वाले एग्जांपल में देखो नाइट्रोजन में इधर डबल बॉन्ड ओ है तो माइनस टू इधर प्लस टू, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखो एरो किसकी तरफ जा रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, तब लेस से मोर की तरफ जाएगा तो कितना देना पड़ेगा फिर हमें अगेन माइनस टू, इसको प्लस टू, और ये कार्बन है ऊपर नाइट्रोजन है तो कार्बन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका माइनस वन और नीचे वाले का प्लस वन, नीचे वाले कार्बन का प्लस वन आ गया। अब नाइट्रोजन का देखो कितना आया यहाँ पर टोटल ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब प्लस थ्री, नाइट्रोजन प्लस टू माइनस वन प्लस टू प्लस के फोर और माइनस का वन तो प्लस का थ्री आ गया ना, और इसमें देखो इधर देखो ये प्लस वन ये माइनस वन, ये प्लस वन ये माइनस वन, इधर कार्बन वाले का प्लस वन तो माइनस वन, इधर कितना आया देखो
माइनस थ्री टोटल आ गया माइनस थ्री, पहले वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस थ्री आया है, दूसरे वाले में देखो माइनस थ्री आया, डिफरेंस कितने का आया देखो, सिक्स का, सिक्स का डिफरेंस आ रहा है, तो प्लस थ्री से माइनस थ्री। तो आप पर बोन ये जो अभी दो एग्जांपल किए इनको अच्छे से अगर लगाओगे कहीं किसी जगह पे तो आपको काफी काम आ सकते हैं कि आप कोवलेंट बॉन्ड देख लो या कोऑर्डिनेट बॉन्ड देख लो, उसकी स्ट्रक्चर बना लो, उससे आप किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। यहां मैं देखो अब कुछ चीजें आपको बताता हूँ, कुछ इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर है वो बता रहा हूँ बस सर, एन ग्रीन वाला देखना। डन सर। सर सर जो आपने नॉलेज के बारे में बात बताई इसका रीजन कुछ क्या है, समझ नहीं आया मुझे। कौन सी वाली सर? नॉलेज क्लाउड में जो बताया ये मैंने आपको तरीका सिखाया है कि अगर स्ट्रक्चर बनाना आ जाए ना तो इस तरीके से निकालोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर हर एक के निकाल सकते हो आप। तो सर इसका रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन खींचने का है ना रीजन। यस सर। इलेक्ट्रॉन खींचेगा कौन, कैसे खींचेगा, किधर कंसिडर करेंगे हम, चार्ज कैसे कंसिडर करेंगे वो देखते हैं। सर दूसरी बार उसमें जीरो क्यों आया था दोनों की उसमें? क्योंकि आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉनों को खींचना चाहिए ना। यस सर। और हमने उसकी डायरेक्शन किधर कर दी इलेक्ट्रॉनों की, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए हम कंसीडर नहीं कर रहे इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट। ओके सर, बॉन्डिंग से हो गया सर। कुछ एग्जांपल देखो और मैं आपसे यहां हां कुछ एग्जांपल और शेयर कर रहा हूं मैं आपसे। एक देखो आपने नाम सुना होगा अमलगम, अमलगम जो होता है ना मरकरी के साथ अगर कोई चीज अटैच हो मरकरी के साथ तो उसको हम अमलगम बोलते हैं। अगर मरकरी के साथ अगर कोई चीज अटैच होती है तो उसको हम अमलगम बोलते हैं। जैसे मान लो सोडियम अमलगम, मैंने बोल दिया आपको सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम बोल दिया तो इसका मतलब क्या फार्मूला होगा, NaHg। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जीरो होंगे, इसका मतलब इन दोनों के बीच कोई बॉन्ड नहीं होता है। कोई भी अमलगम आ जाए तो अमलगम के अंदर अगर आपसे पूछे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है तो आप जीरो बताएंगे। सोडियम अमलगम में आप जीरो बताएंगे। इसी टाइप से एक होता है बेटा सल्फेट आयन, एक होता है सल्फेट आयन और एक होता है थायोसल्फेट आयन। सल्फेट आयन, थायोसल्फेट आयन। सल्फेट आयन का फार्मूला होता है SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। देखो एट कब आता है और आइट कब आता है, देखो सल्फेट एट, तो जितने मैक्सिमम ऑक्सीजन हो, जब ऑक्सीजन से किसी स्पीसीज का भरा हो पेट, फुल पेट, तो लगेगा पीछे एट, तो सल्फेट SO4, सल्फर के साथ मैक्सिमम फोर ऑक्सीजन आ सकती है तो ये सल्फेट हो जाए। थायो सल्फेट, थायो का मतलब बेटा होता है सल्फर, अगर एक ऑक्सीजन सल्फर में कन्वर्ट हो जाए, जैसे SO4 की जगह मैं लिख दूं S2O3 2 नेगेटिव, ये जो स्पीसीज होती है ये बन जाती है थायोसल्फेट। तो सल्फेट है SO4 2 नेगेटिव और थायोसल्फेट आयन है S2O3 2 नेगेटिव, तो इनका एक स्पीसीज होता है, जैसे होता है Na2S2O3, अगर इसके साथ 5H2O मिले हो क्रिस्टलाइन, समझते हो कि मान लो Na2S2O3 का मेन स्ट्रक्चर बना हुआ है, बीच बीच में अगर जगह खाली होती है वो कुछ वाटर मोलिक्यूल अटैच हो जाते हैं, तो वो अंदर जो आते हैं उनको हम क्रिस्टलाइन वाटर मोलिक्यूल बोलते हैं। Na2S2O3 इसका नाम क्या होगा बोलो,
Na2S2O3, तो S2O3 दिख रहा है ना आपको बेटा, थायोसल्फेट है, और उस थायोसल्फेट के साथ क्या अटैच किया आपने देखो, सोडियम, सोडियम, इसलिए इसको क्या बोलोगे आप, सोडियम थायोसल्फेट, क्या बोलोगे इसको, सोडियम थायोसल्फेट, ये जो सोडियम थायोसल्फेट है इसको हम हाइपोसोल्यूशन भी बोलते हैं, हाइपोसोल्यूशन, एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द हाइपोसोल्यूशन, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ हाइपोसोल्यूशन, तो क्या फार्मूला बोलोगे आप हाइपोसोल्यूशन का, Na2S2O3.5H2. ठीक है, अब आपको जो मैं पॉइंट बताने जा रहा था वो ये था, अगर सल्फेट का स्ट्रक्चर बनाओ तो सल्फेट का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, एस दो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज वाले और दो न्यूट्रल, ठीक है, अगर मैं कहूं थायोसल्फेट तो एक ऑक्सीजन को हटा दो और उसकी जगह सल्फर डाल दो तो थायोसल्फेट हो जाएगा, तो थायोसल्फेट की स्ट्रक्चर क्या आएगी, एस ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ, और ऊपर वाला जो ओ ही था उसी की जगह क्या लगा दो, एक सल्फर। तो अब मैं ऊपर वाले सल्फर के सारे एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं सल्फेट आयन के अंदर और थायोसल्फेट के अंदर, तो देखो क्या आएगा, सपोज ये ऑक्सीजन है इसके लिए निकालना है, इसको छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन है तो इधर माइनस टू चार्ज, इधर प्लस टू, इधर भी माइनस टू, इधर प्लस टू, और इस वाले ऑक्सीजन के लिए इधर माइनस वन, इधर प्लस वन, इधर वाले के लिए इधर माइनस वन, इधर प्लस वन, तो यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आया ना, तो ये ऑक्सीजन की जगह ही ये आया है, इसलिए देखो इवन यहाँ इधर भी एस है इधर भी एस है, लेकिन इसको आप एज ए ऑक्साइड है, तो ये ऑक्सीजन जो था ये किसकी प्रेजेंट था, किसकी तरह प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एज ऑक्साइड फॉर्म में है, तो सल्फर भी एज ए सल्फाइड है, मतलब यहां पर अभी एक पढ़ा था ना मैं कि अगर दोनों एक जैसे एटम हो तो उसमें हम क्या देते थे ऑक्सीडेशन नंबर, जीरो जीरो देते थे ना, तो यहाँ इस केस में जीरो जीरो नहीं आएगा इसमें, क्योंकि ऑक्साइड को रिप्लेस करके ओ माइनस टू इज रिप्लेस्ड बाय एस माइनस टू, इसलिए बाहर वाले सल्फर का माइनस टू ही लेना है, तो माइनस टू फिर ये प्लस टू, इधर देखो माइनस टू प्लस टू, इधर माइनस वन प्लस वन, इधर माइनस वन प्लस वन, तो बीच वाले सल्फर का दोनों में चाहे सल्फेट हो चाहे क्या हो, क्योंकि सल्फेट से ही थायोसल्फेट बना है बेटा, सल्फेट से ही था, याद रखना इंपोर्टेंट एग्जांपल है, काफी इंपोर्टेंट है कि सल्फेट हो से ही थायोसल्फेट बनता है, इसलिए जो ऑक्सीजन होते हैं जो बाहर वाला जो न्यूट्रल ऑक्सीजन है उसकी जगह न्यूट्रल सल्फाइड जो है आएगा, इसलिए बाहर वाले का माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट लेना है, तो अंदर वाला सल्फर हमेशा प्लस सिक्स बाहर वाला। अब यहां पर देखो अगर दो तरह से क्वेश्चन बना, अब मान लो मैं आपको प्रॉब्लम ये देता हूँ, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन थायोसल्फेट आयन या इन हाइपोसोल्यूशन, तो क्या आंसर दोगे, थायो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन थायोसल्फेट आयन और इन हाइपोसोल्यूशन, तो इसमें बेटा दो चीजें देखो आपके पास यहां पर, दो चीजें, क्या चीजें दो हैं, एक तो अगर बिल्कुल एक्चुअल बनाओगे तो देखो सल्फेट आयन में आपने ये देखा जो अंदर वाला सल्फर है उसका देखो कितना आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्चुअल बिल्कुल देखोगे एक्चुअल में जो सेंटर वाला सल्फर है सेंटर पे जो एट सेंटर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा देखो प्लस सिक्स, और जो साइड वाला सल्फर है ये वाला देखो माइनस टू सल्फाइड है ना माइनस टू। अब क्वेश्चन की थीम देख लेना वो कैसे पूछना चाहता है क्वेश्चन आपसे, अगर एक्चुअल पूछेगा तो प्लस सिक्स है माइनस टू, अब अगर एवरेज निकालते हैं अपने एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्मूला आप लिखोगे एस टू ओ थ्री टू नेगेटिव, सपोज एक सल्फर का एक्स तो दो का कितना हो जाएगा एवरेज टू एक्स, एक ऑक्सीजन का चार्ज बेटा होता है माइनस टू, तो थ्री ऑक्सीजन का कितना लिख दे माइनस सिक्स, इज इक्वल टू ऊपर कितना चार्ज दिखा रहा है वो माइनस टू, माइनस टू, तो टू एक्स इज इक्वल टू प्लस फोर, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस टू, एवरेज निकालते तो मैथमेटिकली यहां भी तो निकाल ही सकते थे ना, सिक्स और माइनस टू कितने होते प्लस फोर,
दो का प्लस फोर है तो एक का प्लस टू आ जाता है। तो एवरेज देखना हो तो ऐसे देख सकते हो आप कितना, लेकिन एक्चुअल देखना हो तो ये आंसर हो एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स एंड माइनस टू, और एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की प्लस टू। क्लियर? तो थायोसल्फेट है उसके अंदर जो हमने सल्फर के ऊपर टू नेगेटिव चार्ज लगाया है, तो वो टू नेगेटिव हमने बीच वाले सल्फर पे क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ऑक्सीजन को रिप्लेस करके तो बाहर वाला आया है ना, मैंने बोला ना सल्फेट से थायोसल्फेट बना है, है ना, सल्फेट से। तो सल्फेट में बाहर वाला ऑक्साइड आयन था वो किससे रिप्लेस हुआ? सल्फाइड आयन से। इसलिए एज ए ओ माइनस टू गया, उसकी जगह एस माइनस टू आ गया। ओके सर। सर सर ये जैसे हमने ऑक्सीजन को रिप्लेस करके सल्फर लगाया तो हमने डबल बॉन्ड वाली जगह पे लगाया, तो हम सिंगल बॉन्ड वाले पे भी लगा सकते हैं क्या? नहीं, वो तो क्योंकि हमें ऑक्साइड हटा के सल्फाइड लगाना था, वो तो ओ नेगेटिव ऑलरेडी, वो तो एनए के साथ अटैच होगा ना, वो तो डबल बॉन्डेड को ही हटाना है आपने जो ऑक्सीजन है। सर किसी एलिमेंट के ऊपर जैसे हमें किसी कंपाउंड में चार्ज ऑलरेडी दिख रही हो, जैसे ऑक्सीजन में इसमें माइनस वन दिख रही थी, तो वही ऑक्सीडेशन नंबर भी हो जाता ना उसका? नहीं नहीं नहीं, अब देखो अब दिख रही थी अलग चीज था। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट के, वो तो एक्चुअली इसलिए था क्योंकि मैंने इसको कंप्लीट बनाया नहीं ना, यहाँ पर मैं एन ए पॉजिटिव बना देता तो कंप्लीट हो जाता फिर वो तो मैंने एन ए को हटा के रखा था इसलिए दिख रहा था आपको। अब सपोज आप कहोगे कि सर आपने ऐसे स्ट्रक्चर बनाया यही वाला है ना, और यहाँ नेगेटिव हो गया, तो आप कहोगे सर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा ऑक्सीजन का, तो आप माइनस वन नहीं बोल सकते ना, माइनस वन नहीं बोलेंगे, वो निकालेंगे निकाले के हम, वो तो माइनस टू ही होगा क्योंकि माइनस वन तो ऑलरेडी है दिख रहा है जो आपको, और एक इस बॉन्ड के थ्रू भी तो आएगा इधर से। अच्छा बॉन्ड वाला ऑलरेडी है और वो कैलकुलेट करना ही है, वो कैलकुलेट करना होगा तभी तो निकाल पाओगे ना, तब आएगा आपके पास ओवरऑल। सर हमें दोनों मिला के बताना है ना मतलब फिर? हाँ टोटल नेट चार्ज पर एटम बताना होता है। और हमने सल्फर का ऑक्सीजन की वजह से प्लस वन इसलिए लिया क्योंकि वो तो हम बस बॉन्ड का ही देख के लेंगे, हमें ऑक्सीजन वाले चार्ज से फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ फर्क नहीं पड़ रहा, एक्चुअली क्या है कि वो था तो ये ना एनए था, मैं अगर आपको ये कहता कि हाइपो हाइपो बना के देता तो बनाना पड़ता ना आपको, ऐसे दे देता मैं तब बनाते ना आप ऐसे एस जो ओ नेगेटिव वाला उसके साथ किसको अटैच करते आप? यस सर समझ आ गया, एनए को समझ आ गई ना मतलब ऐसे करते हो, तो मैंने एनए हटा दिया इसलिए मैंने आपको कहा कि एनए पॉजिटिव हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा माइनस वन, इसलिए मैंने ये हटा दिए थे, ये हटा दिए थे इसलिए मैंने यहाँ पर क्या रख दिया था फिर ओ माइनस रख दिया। क्लियर? यस सर। और सर ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए जो यूज करते हैं हम ऐसे इक्वेशन बना के, वो सही होती है? नहीं नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि क्वेश्चन को हमें जैसे कैलकुलेशन करनी होती है तो हम एवरेज करके कैलकुलेशन कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल नहीं होता वो, तो हमारे छोटे में चलेगी मतलब। हाँ मतलब हर जगह नहीं चलेगी, और एग्जामिनर क्वेश्चन दे देगा तो हमें एक्चुअल निकालना आना चाहिए। दोनों तरह के क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ ना, जैसे मैं अभी आपको बताता जा रहा हूँ इस तरीके से। देखो अब क्या होता है, ये जो थायोसल्फेट आयन नॉट, अब ये चीजें आगे कैलकुलेशन में काम आएंगी ना, इज नॉट थायोसल्फेट आयन मतलब हाइपो सोल्यूशन, थायो सल्फेट आयन इज कन्वर्टेड इनटू टेट्राथायोनेट आयन, टेट्राथायोनेट आयन इन एसिडिक मीडियम, ये इंफॉर्मेशन आपको याद करनी होगी, एंड सल्फेट आयन, सल्फेट आयन इन बेसिक मीडियम। हाइपो सोल्यूशन आपका टाइट्रेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये केमिकल, तो आपको पता होना थायोसल्फेट आयन मतलब हाइपो सोल्यूशन इज कन्वर्टेड इनटू टेट्राथायोनेट आयन इन एसिडिक मीडियम एंड सल्फेट आयन इन बेसिक मीडियम। तो क्या होगा कि एस टू ओ थ्री टू नेगेटिव आयन ले लेंगे, ये कौन सा आयन बन गया बेटा एस टू ओ थ्री टू नेगेटिव, कौन सा आयन थायोसल्फेट आयन। अगर मैं आपको बोल दूं कि इसको एसिडिक मीडियम दे दो, H पॉजिटिव का मतलब कौन सा मीडियम हो गया बेटा H प्लस आयन,
एच प्लस आयन मतलब एसिडिक मीडियम हो गया। मैंने इसको अगर एसिडिक मीडियम दे दिया तो मुझे याद पता होना चाहिए किसमें कन्वर्ट होगा ही, टेट्राथायोनेट। उसका फार्मूला होता है S4O6 2-. पर अगर मैं कह दूं इसका बेसिक मीडियम दे दो, बेसिक मतलब मैंने लिख दिया OH नेगेटिव, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये थायोसल्फेट आयन, सल्फेट आयन। तो अब हमें पता कैसे लगेगा कि क्या चेंजेस हुए हैं, भाई इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं या इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, ये हमें कैसे पता लगेगा? अब देखो हमें पता ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के चेक करेंगे, तो यहाँ एवरेज काम आ गया। तो एवरेज काम आएगा तो देखो S2O3 में निकाला था ना आपने, S2O3 2 नेगेटिव में सल्फर का एवरेज निकाला, तो कितना निकाला था अभी हमने निकाला बेटा सल्फर का। अब यहाँ एवरेज काम आ गया क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, तो +2 आ गया सपोज एवरेज। सल्फेट आयन के अंदर एवरेज निकालो, देखो SO4 2 नेगेटिव है, सपोज एक सल्फर का एक्स और ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का -2 चार्ज होता है तो 4 हो गया, तो -8 हो गया ना, -2 नहीं, एक ऑक्सीजन का -2 चार्ज तो 4 ऑक्सीजन है, तो कितने हो जाएगा टोटल, -8 हो जाएगा ना ओवरऑल, कितना ऊपर चार्ज वाले का बता दे सॉरी, तो कितना आ गया देखो +6। तो देख रहे हो अब आप यहाँ पर पहले थायोसल्फेट में एवरेज चार्ज कितना था सल्फर पर, +2, अब कितना हो गया +6, कितने का डिफरेंस आ रहा है +4, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस आएगा, +4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन में लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है और रिडक्शन होता है तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो ये चीजें जो आती है ना उसमें हमें एवरेज यूज करना है। ऊपर वाले को देखो S4O6 का निकालेंगे तो टेट्राथायोनेट आयन का, तो एक सल्फर का सपोज एक्स, तो कितने सल्फर है बेटा आपके पास, 4x, एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो 6 हो गया, तो -2 तो 4x is equal to कितना आ गया 10, तो x is equal to कितना आ गया 2.5, तो यहाँ सल्फर का कितना आ रहा है +2.5, डिफरेंस कितने का हो गया देखो +2 है 0.5 का डिफरेंस। तो उसमें कैलकुलेशन वाइज लेते हैं कि यहाँ हम ये एज्यूम करते हैं कि हाफ इलेक्ट्रॉनों का चेंज हुआ है, अगर फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हाफ तो हो नहीं सकता है ना, तो हम 2 मोलिक्यूल लेकर के फिर उसको सोल्व करते। तो जब आप ऐसा करते हो, जब ये कन्वर्जन करते हो, ये कन्वर्जन आपको याद होने चाहिए कि थायोसल्फेट आयन टेट्राथायोनेट आयन एंड सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस केसेस में आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए, तो वहां आप एवरेज यूज कर सकते हो। पर एक्चुअल करना होता है, अब देखो ये तो हो गया एवरेज जो ऊपर लिखे मैंने अभी, अगर आपको एक्चुअल करने होंगे तो फिर किससे बनाओगे एक्चुअल, फिर तो नहीं कर सकते ना ऐसे। एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो भी किया था आपने, जैसे सपोज एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ये तो बता दिया था S2O3 का भी क्या होंगी एक्चुअल, +6 -2 थी। टेट्राथायोनेट में सपोज चाहिए मुझे, तो टेट्राथायोनेट का स्ट्रक्चर बनेगा इसमें S O नेगेटिव, ये आपको स्ट्रक्चर लर्न करना होगा, तब जाकर के आप एक्चुअल कंडीशन पर पहुंच पाओगे। अब देखो अब निकालो, स्टार्ट हो जाओ कहीं से भी, एक साइड से स्टार्ट हो जाओ, लेफ्ट या राइट से कहीं से भी, देखो यहां ऑक्सीजन है तो इसका -2, तो यहां पर आ जाएगा +2, इस बॉन्ड के लिए देखो, इस बॉन्ड के लिए इसका -1 तो इसका +1, फिर इस वाले बॉन्ड के लिए देखो बेटा इसका -2 तो इसका +2, फिर ये दोनों सल्फर सेंटर पॉइंट पर दोनों सल्फर एक जैसे जैसे हैं तो कितना दोगे इनको 0, इसको देखो आपस में इस बॉन्ड के लिए बीच वाले के लिए 0, इस वाले बॉन्ड के लिए इसको 0, अब इस वाले बॉन्ड के लिए देखो फिर ये -1 और ये +1, ऊपर वाले ऑक्सीजन के लिए -2 ये +2, नीचे वाले ऑक्सीजन के लिए -2 और +2। अब टेट्राथायोनेट में एक्चुअल देखो कितने सल्फर है आपके पास, 2 सल्फर 4 सल्फर है, तो लेफ्ट टू राइट चलते जाओ, पहले वाले सल्फर का कितना आया देखो +5, दूसरे वाले सल्फर का कितना आया 0, तीसरे वाले सल्फर का कितना आया, फोर्थ वाले सल्फर का कितना आया +5। तो ये तो एक्चुअल कंडीशन आ गई ना, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, जब आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाए कि वो बिल्कुल एक्चुअल पूछना चाहता है और ऑप्शन बिल्कुल एक्चुअल दे रखी है, तो आप बोलोगे टेट्राथायोनेट में ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का 2 सल्फर का +5 और 2 सल्फर का 0। और अगर आपको कैलकुलेशन में यूज करना है, कैलकुलेशन बनानी है, तो फिर ऊपर वाला एवरेज वाला तरीका यूज करो, उससे आपका जल्दी हो जाएगा, आपको एक्चुअल की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? तो स्ट्रक्चर से जब भी आएगा बेटा आपका बिल्कुल एक्चुअल कंडीशन आएगी स्ट्रक्चर से, तो क्वेश्चन दोनों तरीके के पूछे जाएंगे, अगर न्यूमेरिकल बना के पूछेगा तो हम एवरेज से काम चला लेंगे, लेकिन अगर पूछेगा कि स्ट्रक्चर से बताओ
सल्फर का दे रखा हुआ है आपको, जैसे देखो फिर एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कुछ ना मिक्स्ड ऑक्साइड होती है, मिक्स्ड मतलब वो दिखता एक है लेकिन एक कंपाउंड नहीं होता, एक से ज्यादा कंपाउंड होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये होता है Fe3O4, इसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो अगर एक्चुअल निकालनी है तो आपको इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है बेटा, मैं हम फिर याद करेंगे ना कि कौन कौन से मिक्स्ड है, तो ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, पर एक्चुअल में ये क्या है, ये FeO और Fe2O3 का कॉम्बिनेशन है, 1:1 में FeO प्लस क्या होगा Fe2O3। अब देखो, अब आप बिल्कुल क्लियर कट एक्चुअल आंसर दे सकते हो, तो FeO में फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, प्लस टू, नाम से पता लग रहा है देखो बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 है तो आयरन का, इसलिए आप इसको बोलते हो फेरस ऑक्साइड। Fe2O3 में निकालो देखो कितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, प्लस थ्री होता है तो फेरिक होता है, इसका मतलब ये फेरिक ऑक्साइड है, तो फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। तो वो एग्जामिनर आपको ये लिख के नहीं देगा, एग्जामिनर तो ये देगा आपको लिख के Fe3O4। अब एग्जाम में आ जाए व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe3O4, तो एक्चुअल तो कितनी आ रही है, प्लस टू एंड प्लस थ्री, प्लस टू वाला भी और आयरन उसके अंदर प्रेजेंट है और प्लस थ्री वाला आयरन भी प्रेजेंट है, तो वो हमें एक्चुअल स्ट्रक्चर जब पता होती है तभी हम पता कर सकते हैं। ऐसा एग्जांपल देखो सर, एवरेज निकालनी होती तो 2.5, हाँ एवरेज होता तो फिर तो आयरन का सपोज एक्स ले लेते हैं आप, आयरन का एक्स ले, जैसे एक बताता हूँ मैं आपको कि ऐसा एक बार एग्जाम में क्वेश्चन कैलकुलेट करने को मिला तो फिर हम एवरेज से करेंगे ना, हाँ फिर एवरेज से करो, जैसे ये क्वेश्चन आया एग्जाम में ये वाला, अब अगर ये क्वेश्चन आया और आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा तो इसमें एक्चुअल बता ही नहीं सकते हम, है ना, तो हम क्या करेंगे कैलकुलेशन ही करेंगे। कैसे करोगे, सपोज एक आयरन का कितना होगा, सपोज ले लो कुछ भी एक्स प्लस एक्स, एक आयरन का एक्स है तो आयरन एटम है कितने देखो टोटल 0.98, तो कितना हो गया, एक आयरन का एक्स है तो 0.98x, और ऑक्सीजन का कितना होगा वो तो फिक्स है, एक ही है ना ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना होगा -2 इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना होगा बेटा, जीरो, FeO के ऊपर चार्ज न्यूट्रल है कंपाउंड, तो अब 0.98x इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, अब हम प्लस टू, तो x इज इक्वल टू देखो अब कितना आ गया 2/0.98, अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ऊपर 2. कुछ आएगा सर, 2 ही आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 2 आ जाएगा, यहाँ ऐसे ऑप्शन आएंगे आपके पास ऐसे लिखे हुए, तो अब इसका मतलब क्या है कि अब एक्चुअल नहीं निकाल सकते, अब तो सिर्फ हम क्या निकालेंगे एवरेज, 200/एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज ऐसे और एक्चुअल निकालना होगा तो एक्चुअल इसका मतलब इसमें प्लस टू और प्लस थ्री होगा, तभी तो ऐसा कुछ आ रहा है, Fe में कुछ प्लस टू होंगे कुछ प्लस थ्री होंगे, एक्चुअल प्लस टू और प्लस थ्री होंगे क्योंकि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो यही है ना, या तो प्लस टू में मिलेंगे कंपाउंड या किस में मिलेंगे आपको प्लस थ्री के अंदर मिलेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन वैसा है ही नहीं, ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं जैसे 200/98, 100/98, 98, 200, देन आप ऐसे कर एवरेज करके निकाल लोगे, तो क्वेश्चन की थीम से पता लग जाएगा आपको, क्वेश्चन लिखा होगा ना तो उससे आइडिया हो जाएगा कि आपको निकालना है ऐसे निकालना, क्लियर, यस सर। मैं एक एग्जांपल और भी बता रहा था आपको, जैसे ऐसा ही एक एग्जांपल होता है Pb3O4, अब देखने से पता नहीं लगता लेकिन फिर हमें याद करना होता है कि है क्या चीज, एक्चुअल में ये है PbO प्लस PbO2 का कॉम्बिनेशन, इसमें जो है आपके 2 PbO के होते हैं और 1 PbO2 का होता है, अब देखो अब क्लियर कट आ जाएगा, देखो पहले वाले PbO में आयरन लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा प्लस टू, इसमें देखो कितना होगा PbO2 है +4, तो एक्चुअल में पूछेगा ये पूछेगा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड इन Pb3O4, तो एक्चुअल कितना आ गया Pb3O4 में, आप बोलोगे आंसर +2 and +4, जैसे ऊपर वाले में पूछा था Fe3O4 में तो एक्चुअल कितना आया था +2 and +3, क्लियर सर, ये Pb3O4 में मिक्स्ड ऑक्साइड है, हाँ मिक्स्ड है, दो 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 आ रहे हैं ना, दो आ रहे हैं ऑक्साइड, दो टाइप के ऑक्साइड आ रहे हैं, एक PbO आ रहा है और एक क्या आ रहा है
पीवी ओ टू। तो जब एक्चुअल में फार्मूला जो है एक से ज्यादा टाइप के ऑक्साइड से मिक्सअप से बनता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, मिक्स ऑक्साइड। मतलब क्या बोलोगे आप, मतलब सीख क्या पा रहे हो इससे? ऊपर वाला Fe3O4 एक्चुअल फार्मूला ही नहीं है। एक्चुअली Fe3O4 इज द मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। एंड सेकेंड Pb3O4, एक्चुअली Pb3O4 इज द मिक्सचर ऑफ 2 मोल ऑफ PbO एंड 1 मोल ऑफ PbO2। क्लियर? फिर अगर हम इनका एवरेज निकाल ले तो वो फॉर्मूले वाले के इक्वल आना चाहिए। हाँ वो तो क्या है, वो तो जस्ट वो है ना, वो तो कैलकुलेशन, एक्चुअल चीज थोड़ी है, वो तो कैलकुलेशन है। हाँ मतलब Pb3O4 Pb3O4 है हाँ, उसमें जैसे एवरेज प्लस 3 आ रहा है। नहीं एवरेज प्लस 3 कहाँ आ रहा है ना, उसमें 2.6 कुछ आएगा उसका। हाँ कुछ आएगा ना उसमें, उसका एवरेज कुछ और आएगा ना, Pb3O4 है क्योंकि 3 से डिवाइड करना पड़ेगा ना फिर आपको। अच्छा हाँ, राइट साइड पे 2 Pb हो गए तो फिर 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3। हाँ ओके सर, है ना, तो वो एवरेज वैसे आ गया। हाँ क्लियर? यस सर। सर जैसे आयरन नोन एलिमेंट है तो हमें पता है इसकी प्लस 2 और प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि मिक्स्ड ऑक्साइड। बिल्कुल, जब हमें नॉलेज हो जाएगा तो पता ही है हमें कि आयरन के प्लस 2 और प्लस 3 वाले हैं। ओके सर, लेकिन अब हमें क्या है कि वो नहीं पता लगेगा। जैसे फार्मूला क्या है, देखो फार्मूला है Fe3O4, आपको ये बताना होगा। चलो आपने ये तो बता दिया कि प्लस 2 और प्लस 3 है, कितनों का प्लस 2 है और कितनों का प्लस 3 है, वो तो डायरेक्ट नहीं बता सकते ना। फिर हमें फार्मूला ओपन याद करना पड़ेगा, हमें ओपन करना पड़ेगा हमें कि कितने प्लस 2 के अंदर है और कितने प्लस 3 के अंदर है। सर वो याद यही करना है ना कि ये कितने मोल्स, मिक्स्ड ऑक्साइड है, कितने मोल्स हैं, वो तो सम करोगे तो इक्वल आ जाएगा ना। ओके सर, FeO प्लस Fe2O3 टोटल ऐड करके देख लो, यही बनेगा Fe3O4 बन जाएगा। Yes, ऐसे ही देखो, जैसे मान लो हमारे पास फेरस ऑक्सलेट है। सर एक बार ऊपर कर दीजिए। हो गया सर। सपोज अपने को बेटा दे दिया फेरस ऑक्सलेट, फेरस ऑक्सलेट। अगर फेरस ऑक्सलेट को एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज करते हैं तो फेरस जो होता है वो फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सलेट वाला कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो फेरस ऑक्सलेट का जो फार्मूला है वो हो जाएगा, देखो फेरस मतलब Fe प्लस 2 आयन, ऑक्सलेट होता है C2O4 2 नेगेटिव आयन, तो इनका सम जो बनेगा वो FeC2O4 बनेगा। Fe तो आपको याद क्या करना है, फेरस ऑक्सलेट एसिडिक मीडियम देते हैं तो फेरस ऑक्सलेट इज कन्वर्टेड इनटू Fe प्लस 3 एंड CO। सपोज मैं आपको दे दूं कि मेरे पास फेरिक ऑक्सलेट है, फेरिक ऑक्सलेट को अपने एसिडिक मीडियम दे देते हैं, तो अब देखो फेरिक तो फेरिक ही रहेगा ना, तो Fe प्लस 3 है वो तो Fe प्लस 3 ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ ऑक्सलेट क्या बनाएगा यो। तो ऊपर वाली और नीचे वाली रिएक्शन में फर्क देखो आप, ऊपर था फेरस ऑक्सलेट तो ये भी चेंज हुआ, आयरन भी प्लस 2 से कहां कन्वर्ट हुआ जी, प्लस 3, और ऑक्सलेट में कार्बन भी चेंज हुआ CO2। तो अब इनका क्या है कि हमें ऊपर वाले में तो क्लियर कट है कि प्लस 2 से प्लस 3 चेंज हो रहा है, आयरन तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 का चेंज आ रहा है, लेकिन C2O4 में निकालना पड़ेगा। तो आप एवरेज निकाल सकते हो ना, जैसे देखो Fe C2O4 सपोज ये आपके पास, तो आयरन का पता है कितना है प्लस 2, कार्बन का आपको निकालना चाहते हो, सपोज एक कार्बन का एक्स तो 2 का 2x फेरस ऑक्सलेट में, और O4 का मतलब कितना हो गया, एक ऑक्सीजन का चार्ज होता है माइनस 2, तो माइनस 8 हो जाएगा ना, इक्वल टू 0, तो कितना हो गया देखो 2x इज इक्वल टू प्लस 6, तो x इज इक्वल टू
प्लस थ्री, तो यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगा वो आएगा प्लस थ्री, और CO2 में निकालोगे तो देखो कितना आएगा, सपोज कार्बन का एक्स माइनस फोर इक्वल टू, दिखने से पता ही लग रहा है सीधा खेर प्लस फोर। तो जब आप फेरस ऑक्सीलेट लेते हो तो फेरस में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हुआ, देखो फेरस ऑक्सीलेट में आयरन प्लस टू से कहां गया प्लस थ्री में, तो क्या हुआ बेटा ऑक्सीडेशन हुआ ना, ऑक्सीडेशन। और C2O4 के ऑक्सीलेट का भी देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला आपने, पहले कितना था प्लस थ्री और बाद में कितना हुआ प्लस फोर, इसका भी ऑक्सीडेशन हुआ। तो फेरस ऑक्सीलेट में फेरस का भी और कार्बन का भी ऑक्सीडेशन होता है। बट अगर यही चीज मैं फेरिक ऑक्सीलेट के लिए अप्लाई करूं, देखो फेरिक, फेरिक होता है एफ ई थ्री पॉजिटिव, ऑक्सीलेट होता है सी टू ओ फोर टू नेगेटिव, इसकी वैलेंसी इधर जाएगी इसकी वैलेंसी इधर, तो फार्मूला क्या बनेगा एफ ई ट्वाइस सी टू ओ फोर का थ्राइस। लेकिन जब इसको चेंज करोगे आप, वो तो ये लिखा हुआ देगा ना, या तो ये लिखा हुआ देगा या ये वाला फार्मूला। तो देखो फेरिक ऑक्सीलेट को जब चेंज करोगे तो एफ ई प्लस थ्री तो प्लस थ्री ही रहा, सिर्फ चेंज किसके अंदर आएगा ऑक्सीलेट आयन के अंदर, सिर्फ ऑक्सीलेट के कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा, आयरन में कोई चेंज नहीं आया, बिकॉज पहले भी आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था प्लस थ्री, बाद में भी कितना है प्लस थ्री, उसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन इसमें फर्क आ गया क्योंकि कार्बन का ऑक्सीलेट में कितना निकाला आपने प्लस थ्री, लेकिन CO2 में कितना हो जाएगा प्लस फोर, प्लस फोर। तो जब आप फेरस ऑक्सीलेट लेते हो तो आयरन और कार्बन दोनों का ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन अगर आप फेरिक ऑक्सीलेट लोगे तो फिर सिर्फ किसका होगा, ये चीजें याद रखनी है, नेक्स्ट क्लास में काम आएंगी हमारी, ऑक्सीलेट में सिर्फ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है ये आपको देखना है। क्लियर, वहां पे C2O4 थ्राइस है तो उसका हम कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन, वो तो क्या ब्रेक कर लो ना जब भी आपको ऐसे देना हो, तो इसलिए तो ऊपर मैंने आयन बनाना सिखाया ना, फेरस ऑक्सीलेट को ब्रेक कर लो, फेरिक ऑक्सीलेट को ब्रेक करोगे तो क्या क्या बन जाएगा, कभी भी ऐसा केस आ जाए, देखो सपोज कभी भी ऐसा केस आ जाए तो उसको क्या कर लिया करो, ब्रेक कर दिया करो, जैसे फेरस ऑक्सीलेट आ गया ना तो इसको ऐसे कर लिया तो बड़ा ईजी हो गया ना, ऊपर वाली फॉर्म में ले जाओ ऐसे, ये वाली थ्री वैलेंसी इधर चली जाएगी तो एक फेरिक आयन बन जाएगा एक ऑक्सीलेट, फिर सिंपल हो गया, ऑक्सीलेट निकाल लेना। हाँ बोलो, मैं ये कह रहा हूँ देखो सपोज आपको ये था, इस आपको ऐसे लगा कि ये तो बहुत टिपिकल हो गया सर आप कैसे करेंगे, आप काम क्या करो उसको वापस ब्रेक कर दिया करो, ब्रेक करोगे तो ये वाली वैलेंसी होती है इधर वाले की होती है, तो ये वाली वैलेंसी इधर वाले की होती है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको एफ ई थ्री पॉजिटिव और प्लस क्या बन जाएगा सी टू ओ फोर टू नेगेटिव, अब निकाल सकते हो ना इजिली अब। क्लियर सर, जो ये फेरिक ऑक्सीलेट में हो रहा है कि आयरन की प्लस थ्री रह रही है और जो कार्बन है उसकी प्लस थ्री से प्लस फोर हो रही है, तो फिर इसमें मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है अगर कार्बन का, तो फिर रिडक्शन तो किसी का हो ही नहीं रहा। नहीं अभी तो हाफ हाफ पार्ट कर रहे हैं ना, चाहे रिडक्शन हो चाहे अभी रिडॉक्स थोड़ी ना अभी, रिडॉक्स हुई नहीं। और जो ऊपर वाली रिएक्शन थी उसमें फिर दोनों का ही इंक्रीज हो रहा था ना, दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, तो अभी रिडॉक्स नहीं है ना सिर्फ ऑक्सीडेशन है, वो अब ऐसे ही तो आएगा ना एग्जाम में, यही तो आएगा दिस इज द रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज रिडॉक्स और नॉट, तो आप क्या आंसर दोगे अभी दोनों एग्जांपल जो लिखे हैं, नॉट रिडॉक्स, क्योंकि दोनों चीजें हो रही है। समझ गए आप? यस सर समझ गए, वो मैं वही सोच रही थी कि ऐसे कैसे हो रहा है। हाँ नहीं अभी तो रिडॉक्स पहुंचेंगे ना, जैसे एग्जाम में मान लो आपका आ जाए कि जैसे अभी जो जैसा क्वेश्चन पूछा अमोनियम, ये दे दिया मुझे अमोनियम नाइट्रेट, ये दे दिया मैंने आपको अमोनियम नाइट्रेट है ना, और मैंने पूछा कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, ये क्वेश्चन दे दिया ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट, जब ऐसा केस आ जाए तो अमोनियम नाइट्रेट ये होता है ना बेटा, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, क्या करना चाहिए अब आपको, जब भी सॉल्ट देखो ना ब्रेक कर दो, जब सॉल्ट देखते हो तो ब्रेक कर दो, सॉल्ट में हमेशा कैटायन और एनायन होते हैं ना, तो बिल्कुल इजी हो जाएगा उससे, देखो अमोनियम नाइट्रेट को ब्रेक कर दो, तो अमोनियम नाइट्रेट ऐसे ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब इस पर प्लस वन आ जाएगा इधर माइनस वन आ जाएगा, तभी तो बनेगा वो एन एच फोर अमोनियम आयन और एन ओ थ्री नेगेटिव नाइट्रेट आयन, अब देखो बिल्कुल इजी हो गया, सपोज नाइट्रोजन का एक्स हाइड्रोजन का प्लस वन होता है तो प्लस फोर इक्वल टू प्लस वन, एक्स का कितना आ गया देखो
माइनस थ्री, तो अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस थ्री आ गया. और नाइट्रेट वाला देखो, सपोज अगेन करो, सपोज अगेन एक्स, एक ऑक्सीजन का चार्ज माइनस टू, तो थ्री टू जा सिक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया प्लस फाइव. इसका plus मतलब five. ये वाला आयन आ गया प्लस फाइव. अब देखो इंटरेस्टिंग, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक होती है? माइनस थ्री से प्लस फाइव. बेटा माइनस थ्री से प्लस फाइव, तो और इसका मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है नाइट्रोजन की? प्लस फाइव. जो प्लस फाइव वाला पार्ट है वो किसकी तरह काम करेगा बेटा? देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाइट्रेट आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा. और फर्स्ट वाला पार्ट देखो NH4 पॉजिटिव है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन माइनस थ्री है, तो माइनस थ्री वाला ओनली किसकी तरह एक्ट करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट. तो इस टाइप के क्वेश्चन बना सकते हो. तो और आपसे कोई पूछे कि अमोनियम नाइट्रेट किस टाइप का काम कर सकता है, तो क्या आंसर दोगे बेटा बताओ? बोथ. बोथ आ गया ना. तो आपको इसलिए आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखते हो कि इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं, काटना नहीं पड़ता फिर आपको. सर सर, तो अगर हमें इसके अंदर नाइट्रोजन के टोटल ऑक्सीडेशन नंबर बताना होगा, तो फिर हम वो 5 और माइनस 3 को ऐड कर देंगे टोटल? नहीं 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 नहीं, आप अलग अलग बताओगे, अलग अलग बताएंगे ना, अलग अलग बताना, एक्चुअल बताना पड़ेगा ना आपको. आप बोलोगे की जो नाइट्रेट वाला नाइट्रोजन है उसका प्लस फाइव है, और जो अमोनियम वाला नाइट्रोजन है उसका माइनस थ्री. सर ऐसे केसेस में कभी भी एवरेज नहीं पूछेगा वो हमसे? नहीं, ऐसे सॉल्ट में एवरेज नहीं. जैसे NaCl है, तो NaCl क्या होगा? सिंपल तरीके से सोचो, NaCl क्या होगा बेटा? सॉल्ट हुआ ना, एटाइन और एनाइन, तो वो तो हमेशा अलग अलग ही होंगे ना. Na पॉजिटिव पार्ट अलग होगा और Cl नेगेटिव पार्ट अलग होगा. वो तो हमने बोल दिया NaCl सोडियम क्लोराइड, उस केसेस में एवरेज नहीं आएगा. और सर ये जो फेरिक और फेरस ऑक्सीलेट वाले एग्जांपल किए थे, इसमें ये Fe और CO2 बनेगा, ये तो याद ही रखना है ना हमें? हाँ, ये चीजें याद, जैसे मैंने ऊपर भी बताया आपको टेट्राथायोनेट वाला, हाइपो सॉल्यूशन वाला जो आपके सिलेबस में है ना, वो याद करना है आपको, क्योंकि उससे आपको क्वेश्चनिंग में हेल्प मिलेगा. यस सर. तो सर माइनस थ्री और प्लस फाइव दोनों बतानी होगी ना? हाँ, दोनों बतानी होगी ना बेटा, एक्चुअल बताना पड़ेगा ना हमें अमोनियम नाइट्रेट में. यस सर. ओके बेटा, आज यही आज ऑक्सीडेशन स्टेट पे स्टॉप करेंगे. अच्छे से ये निकालना सीखना, नेक्स्ट क्लास में इसका यूज करेंगे अपने न्यूमेरिकल बनाने में. ऑक्सीडेशन स्टेट हमने ऊपर जो एक एग्जांपल किया था लेड की, जिसमें टू और थ्री टू और फोर ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही थी. हाँ. तो उसमें फॉर्मूला से देखने पे 2. समथिंग करके आ रहा था एवरेज, और टू और फोर का तो 3 होगा एवरेज, तो वो अलग अलग भी आ सकते हैं मतलब. हाँ, वो तो वो दूसरे वाला तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना, कि वो कहेगा ऐसे एवरेज करके निकाल के दिखाओ, तो कुछ केसेस में तो आपको मैच कर जाएगा, जो कैलकुलेशन है ना, एक्चुअल चीज नहीं है ना, वो कुछ में मैच नहीं भी करेगा. तो मैच नहीं कर रहा है तो मतलब हम ये ले सकते नहीं, वो एक्चुअली मैच इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हम कैलकुलेशन सही नहीं लगा रहे. हम सीधा सीधा सोच रहे हैं ना, एक प्लस टू एक प्लस फोर, लेकिन उसमें कितने प्लस टू है कितने प्लस फोर है सबसे करेंगे ना, फिर उतना ही आ जाएगा एवरेज. कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना, ज्यादातर हमें एक्चुअल करना है. मेरा कहने का मतलब है ज्यादातर हमें एक्चुअल करना है, ठीक है? यस सर. एक बार ये फेरिक ऑक्सीलेट वाला दोबारा बता दीजिए प्लीज. फेरिक ऑक्सीलेट में क्या बेटा, क्या दोबारा बताऊं सर? जैसे सर कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो, इसमें कंफ्यूजन हो रही है CO2 वाले में. ये तो याद करना है ना बेटा. यहाँ निकाला आपने ऑक्सीलेट आयन के अंदर निकाला, C2O4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला ना ऑक्सीलेट में, अभी करवाया था जैसे ऑक्सीलेट में ऊपर ऑक्सीलेट आयन C2O4 2 नेगेटिव था ना, ये रहा. यस सर. यहाँ निकाला था ना फेरस ऑक्सीलेट में. यस सर. ऑक्सीलेट में कार्बन का कितना आया था? सर प्लस थ्री. और जब CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा देखो? ओके सर. समझ गए? यस सर. थैंक यू सर. ओके बेटा, नाउ आई एम लीविंग, सी यू नेक्स्ट क्लास. गुड इवनिंग सर.
गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।